वर्तमान के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की समाचार प्लस से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मायावती की तारीफ की है। हमारे सहयोगी राहुल डबास ने उनसे खास बातचीत की और उन्होंने कहा है कि कई ऐसी हैं चीजें जो समानता है, मायावती की तरह सीएम योगी भी चाहते हैं सख्त कानून व्यवस्था। सुनिए। सरकार से बड़ा सरकार का इकबाल होता है और यूपी सरकार की बात करें तो एनकाउंटर से जो मोरल बूस्टअप हुआ था, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी, उस पर भारत बंद से लेकर उन्नाव की घटना ने धब्बा लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। मौर्य, कुलदीप सिंह को लेकर के कार्रवाई में कुछ विलंब जरूर हुई, लेकिन सरकार की मंशा उन्हें बचाने की नहीं थी। एसआईटी की जांच से सरकार संतुष्ट होती तो बिना मांग के माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई की जांच के आदेश नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश इसीलिए दिए कि उनको भी इस बात की कहीं न कहीं शंका हुई कि कहीं न कहीं अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा सुश्री बहन मायावती जी थी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वही मुख्यमंत्री थी। यहां पर हमारे यहां पूरा का पूरा लोकतंत्र है, हर स्तर पर पदाधिकारियों की सीमाएं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और संगठन के पदाधिकारी भी हैं। हर स्तर पर पदाधिकारियों से वार्ता होती है, राय मशवरे होते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सारे मंत्रिमंडल से राय मशवरा करते हैं, उसके बाद जो भी उचित होता है वो कार्रवाई करते हैं। जी की माने तो योगी जी और मायावती दोनों का शुभ कानून का राज चाहते हैं, दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप पे तानाशाही पूर्ण रवैया होता है और बीजेपी लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के फायदे और नुकसान दोनों भी हैं। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ राहुल डबास।